नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। कोच बनने के बाद हम सभी को पता है कि गौतम गंभीर की लगातार चर्चा चल रही है और ये चर्चा आज से नहीं है, ये लगभग जब से IPL खत्म हुआ था उसके बाद से ये तय हो गया था कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के नेक्स्ट हेड कोच होंगे आफ्टर द राहुल द्रविड़। क्योंकि हम सभी को पता है कि राहुल द्रविड़ का जो कार्यकाल था वो सिर्फ T20 वर्ल्ड कप तक था, उसके बाद टीम इंडिया का नया कोच कौन होगा इस पर सभी की नजरें थी और ये रिपोर्ट्स आ गई थी कि गौतम गंभीर कोच बनेंगे और कल इस बात की ऑफिशियली जो है ऐलान हो गया कि जय शाह ने कर दिया साफ तौर पर कि गौतम गंभीर विल बी द हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। जी हाँ, और वो श्रीलंका दौरा जो होगा वहां से टीम को ज्वाइन करेंगे जहां पर 3 मैचों की ODI सीरीज खेली जाएगी और उसी दौरे पर 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। अब बात करते हैं कि गौतम गंभीर का बयान क्या इस पर आया है। जैसे ही गौतम गंभीर कोच बने उनका खुद का भी बयान सामने आया और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी जो आपको थोड़ा सा गौरवान्वित कर देंगी और आपको गौतम गंभीर पर फख्र महसूस कराएंगी। उन सारी चीज़ों को आपको एक एक करके बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अब बात करते हैं क्या कहते हैं आखिर गौतम गंभीर हेड कोच बनने के बाद। वो साफ तौर पर कहते हैं, इंडिया इज माई आइडेंटिटी एंड सर्विंग माई कंट्री हैज बीन द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज। यानी जो भारत है वो मेरी पहचान है और उसको सर्व करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। इसके बाद वो साफ तौर पर कहते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि सम्मानित महसूस कर रहा हूं वापस आकर। उन्होंने इसके बाद हालांकि कहा कि जो जिम्मेदारी है वो अलग है लेकिन जो मेरा काम है वो वही है कि 1,40,00,000,000 लोगों को गौरवान्वित कराना और वो मैं हमेशा करता रहूंगा, वो जिम्मेदारी मैं निभाता रहूंगा, वो करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद क्या कहते हैं, द मैन इन ब्लू शोल्डर द ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन इंडियंस एंड आई विल डू एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम जो है वो 1,40,00,000,000 लोगों की जो सांत्वना भावनाएं रहती हैं उनको अपने कंधों पर लेकर चलते हैं और मैं उन भावनाओं को कोशिश करूंगा कि कभी ठेस ना पहुंचाऊं और जो वो चाहते हैं उनको अपने कंधे पर लेकर चलूंगा और सारी की सारी चीज़ें करने की कोशिश करूंगा और जो भी है टीम इंडिया का जो सपना है उसको सच करने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, मतलब टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप जीतना चाहती है उसको सच करने का प्रयास करूंगा। वैसे टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई है लेकिन अब गौतम गंभीर जो है वो 2027 तक बने रहेंगे साफ तौर पर टीम इंडिया के हेड कोच और इसके लिए उनके सामने कई बड़े सपने हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, दोबारा से T20 वर्ल्ड कप जीतना, ODI वर्ल्ड कप जीतना जो टीम इंडिया अपने घर पर हार कर आई है थी। तो ये सारे के सारे सपने जो हैं वो गौतम गंभीर को पूरे करने हैं टीम इंडिया के। अब देखते हैं क्या गौतम गंभीर उन सारी चीज़ों पर खरे उतर पाते हैं या फिर नहीं, लेकिन जो टेम्परामेंट अभी तक उन्होंने दिखाया है चाहे टीम इंडिया के लिए जब फाइनल खेले ODI वर्ल्ड कप का या T20 वर्ल्ड कप का या फिर जब KKR के लिए 2 फाइनल जिताया एज अ कैप्टन, एज अ कोच मेंटोर 1 फाइनल इसी साल जो जिताया, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गंभीर से काफ़ी आशाएँ जुड़ी हैं भारतीय फैंस की और BCCI की। तो आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर को जो ये कोच बनाया गया है कितना बेहतर फैसला है और गौतम गंभीर किस तरह की मेंटालिटी के साथ टीम इंडिया को आगे ले जाएंगे। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए।